नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ इरम फातिमा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की तरफ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, शहीद का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम। गांव में शव आते ही सभी की आंखें हुई नम। शव को देख परिजनों व गांव के ग्रामीणों में शोक की लहर। मवैया गांव के आने जाने वालों का लगा रहा ताता। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को दी अंतिम विदाई। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी स्वजनों से की मुलाकात। सांसद सुब्रत पाठक, छिबरामऊ विधायिका अर्चना पांडे, जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत समेत कई नेता रहे मौजूद। शहीद के शव को देखने उमड़ा जन सैलाब। तुम लोगे कि मैं लूं? ले लो। आईडी लगाओगे? नहीं, आईडी नहीं लगा। चलो बहन, नहीं आ रही है। सर, ये जवान शहीद के परिवार को किस तरीके से लाभान्वित किया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद गोपाल बाबू के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है और आश्वस्त किया है कि सरकार उनके परिवार का संरक्षण करेगी। फिर सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी है, जिसमें 35 लाख रुपए शहीद की विधवा को और 15 लाख रुपए उनके पिताजी को चेक के रूप में अभी प्रदान किया है। शहीद के परिवार को सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी और जिले में कहीं भी एक सड़क के नाम का नामकरण शहीद गोपाल बाबू के नाम से किया जाए। और हम सब लोग, सरकार, पूरी पार्टी, पूरा प्रदेश, देश इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ है और हम सब मिलकर माननीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सब लोग मृतक शहीद परिवार के साथ खड़े हैं, इस दुखद घड़ी में उनके साथ हैं। और मैं इस दुखद घटनाक्रम में संवेदना प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हमेशा शहीद के परिवार के साथ उनका संरक्षण करेंगे, ये हम सब लोगों का संकल्प। सर, ये कैसे शहीद हुए, कुछ जानकारी हो पाई? सर, ये जवान शहीद के परिवार को किस तरीके से लाभान्वित किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद गोपाल बाबू के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है और आश्वस्त किया है कि सरकार के परिवार